Students on saying please lesson is going on. Next passage is it is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. It is not therefore with any feeling of कहता है मेरी उस उनके साथ जो कंडक्टर्स के साथ है कोई गैर मित्रता वाली भावना नहीं है that I pay a tribute to particular member of that class कि मैं ट्रिब्यूट करता हूँ इस क्लास के लोगों को यानी बस कंडक्टर्स को. I first became conscious of his existence मेरे को जो बस कंडक्टर की होंद का एग्जिस्टेंस होता है होंद का तब पता चला. One day when I jumped onto a bus जब मैं एक दिन उसकी बस में चढ़ा and found that I had left होम विदाउट एनी मनी इन माई पॉकेट कि मैं घर में बिना पॉकेट में मेरे बिना पैसे के मैं आ गया हूँ मेरी पॉकेट खाली थी बिना पैसे के. एवरी वन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस एंड नोज द फीलिंग द मिक्सड फीलिंग विच द डिस्कवरी अराउजेज हर एक कोई ये फीलिंग जानता है कि जब आप कहीं बाहर जाते हो और आपके पास पैसे नहीं होते तो हमें कैसी फीलिंग्स आती हैं. यू आर एनॉयड आपको गुस्सा आता है बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट क्योंकि उस समय आपको आप सबसे बड़े मूर्ख नजर आते हो एंड लाइक अ नेव एट द वर्स्ट और आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप बहुत बुरे गुलाम हो गए हो. यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज्ड इफ द कंडक्टर आइड यू कोल्डली एज मच एज टू से यस. तो आपको ये भी पता होगा फीलिंग ऐसी होती है सभी लोगों की कि बस कंडक्टर क्या बोलते हैं येस आई नो दैट स्टेल ओल्ड ट्रिक ये पुराना बहाना है. नाउ देन ऑफ यू गेट अब आप जा सकते हो एंड इवन इफ़ द कंडक्टर इज़ अ गुड फेलो अगर कंडक्टर अच्छा है उसका नेचर अच्छा है एंड लेट्स यू आर डाउन ईजिली और आपको नीचे जो है आसानी से भेज देता है. यू आर फेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक आपको ज़रूरत होती है आपको फेस करना पड़ता है घर वापस जाने के लिए एंड द इनकन्वीनियंस परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन और योर एंगेजमेंट और आप हो सकता है आप जो है अपनी ट्रेन मिस कर दो और या जिससे आपने मिलना है वो आपका टाइम जो है वो निकल जाए. हैविंग सर्च्ड माई पॉकेट्स इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स बड़ी बुरी तरह से जो था मैं मतलब मूर्खों की तरह अपनी पॉकेट्स जो सर्च कर रहा था ढूंढ रहा था कोई तांबे का सिक्का स्ट्रे कॉपर्स एंड हैविंग फाउंड आई वाज अटरली पेनलीनेस और मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी था पीड़ा में था. आई वाज अटरली पेनलीनेस एंड कि मेरे को कोई पैसा नहीं मिला. आई टोल्ड द कंडक्टर मैं बड़े दुखी से कंडक्टर को बोला विद एज ऑनेस्ट अ फेस एज I could assume that I could not pay the fare. तो मैंने बड़े ईमानदारी वाला फेस बना के मैंने ये कहा कि मेरे पास I could not pay the fare किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं and must go for me. You need not get off. That's all right. तो कंडक्टर क्या कहता है कि कोई बात नहीं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है said all right. ठीक है said I. But I have not a copper on me. पर मेरे पास एक भी जो सिक्का नहीं है. Oh, I will book your throw. मैं तुमने जहाँ पे जाना है वहाँ तक की टिकट जो है वो बुक कर देता हूँ. उसने उसकी टिकट जो है वो बुक कर दी. He replied. Where do you want to go? Where did you want to go? आप कहाँ पे जाना चाहते हो? And ये बस कंडक्टर पूछ रहा है. And he handed me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong. और वो मुझे बैंक से Hong Kong तक की टिकट दे देता है. हाथ में पकड़ा देता है. I said it was very kind of him. मैंने उसे कहा कि बहुत शुक्रिया धन्यवाद. And told him where I wanted to go. और बताया कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ. And as He gave me the ticket. I said, but where shall I send the fare? मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हें किराया कहाँ पर वापस करूँ किस दिन करूँ कि कहाँ पे करूँ. Oh, you will see me someday. All right. कोई बात नहीं तुम मुझे एक ना एक दिन दिख जाओगे नज़र आ जाओगे. He said cheerfully. Cheerfully मतलब happily. उसने खुशी से कहा कि कोई बात नहीं तुम मुझे किसी एक दिन मिल जाओगे तब दे देना.
as he turned to go, and then luckily my fingers still wandering in the corners of my pockets. मेरी pockets अभी भी pockets में जो मैं मेरी fingers थी वो पैसे ढूंढ रही थी. Lighted on a shilling. जल्दी ही मुझे एक जो शिलिंग था एक मिल गया. एंड द अकाउंट वॉज क्लियर्ड और हिसाब चुकता हो गया. बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड एन एक्शन हैड गिवन मी. पर ये जो पैसे की खुशी मुझे ना होने की वजह से खुशी नहीं हुई, बल्कि जो उसका नेचर था बस कंडक्टर का, उससे मुझे बहुत ही खुशी हुई कि उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है. कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने सोचा कि वो कहेगा उतर जाओ या कि तुम जो है ये पुराने बहाने लगा रहे हो, पर बस कंडक्टर ने ऐसा नहीं किया. उसने बोला, उसने उसको टिकट दे दी बिना पैसे के. अ फ्यू डेज लेटर आफ्टर माई मोस्ट सेंसिटिव टो वॉज ट्रैम्पल्ड ऑन रादर हैवीली एज आई सैट रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बस. एक दिन जब मैं कुछ दिनों के बाद जब मैं बस की टॉप पे ऊपर बैठा था, तो मैं रीड कर रहा था कोई बुक या न्यूज़पेपर कुछ रीड कर रहा था, और मेरा जो टो था वो किसी ने अपने शूज़ से मेरे टो पे जो है उसको नीचे दबा दिया, वो नीचे आ गया, टो मेरा दब गया. आई लुक्ड अप विद सम एंगर. मैंने बहुत गुस्से से देखा, एंड मोर एगोनी और बहुत पीड़ा में. एंड सॉ माई फ्रेंड ऑफ द चीयरफुल काउंटेंस सॉरी सर. और मुझे उस फ्रेंड ने मेरे ने बोला बहुत ही विनम्रता से, सॉरी सर, कृपया मुझे माफ़ करें. ही सेड आई नो दीज आर हैवी बूट्स. उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ ये भारी बूट हैं गौतम, बिकॉज माई ओन फीट गॉट ट्रॉड ऑन सो मच एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स. कहता कि जब मेरे भी फीट जो पैर थे वो दूसरों के जो दूसरे लोग थे वो शूज़ से दबा देते थे, दब जाते थे, फिर उन पे पेन होती थी, इसीलिए अब मैंने ये भारी शूज़ पहने हैं ताकि मैं दूसरों के मुझे कोई चोट ना पहुंच सके. होप आई डिड नॉट हर्ट यू सर. मुझे आशा है कि मैंने आपको ज़्यादा हर्ट चोट नहीं पहुंचाई. ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस. उसने मुझे दुख दिया, पर वो उसका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से उसने मुझे बात की कि अगर मुझसे उससे कोई गलती होगी तो उसने मुझे सॉरी सर बोला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. अबाउट इट एज आई अज्यूम्ड हिम ही हैड नॉट. आफ्टर दिस आई बिगेन टू ऑब्जर्व हिम व्हेन एवर आई बोर्डेड हिज बस. जब मैंने दोबारा उसको ऑब्जर्व किया कि ये कौन है, तो मैंने देखा कि वो बस और कोई नहीं था, बस का कंडक्टर था. एंड फाउंड क्यूरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बियरिंग. और मैं लगातार उसके जो इस अच्छे व्यवहार के कारण बहुत ही मेरी क्यूरोसिटी जो थी वो बढ़ रही थी. ही सीम्ड टू हैव एन इनएग्जॉस्टेबल फंड ऑफ पेशेंस एंड अ गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर कम्फर्टेबल. वो इतना अच्छा था, उसमें इतना ज़्यादा पेशेंस था, और वो एक तरह से गॉड गिफ्टेड था कि जो अपने पैसेंजर्स को हर तरह से वो कम्फर्टेबल रखता था, किसी को भी वो दुख नहीं पहुँचा.